यूज हो रहा है। ऐसा एक और वाटर एटीएम लगाना पड़ेगा, पानी पीने के काम है। और ये देखो ये क्यों है, अगर किसी को हाथ सैनिटाइज कराना है तो मोबाइल सैनिटाइजर, हाथ सैनिटाइज कर लो। इधर भी बहुत बड़ा सैनिटाइजर स्टेशन यहाँ पे लगा हुआ, थोड़ा सा एयरटेल जबकि सबसे अच्छा है, जियो तो नहीं है लेकिन एयरटेल और सबसे सफाई टाइम तो होगी, बिल्कुल सफाई टाइम तो श्रद्धालुओं के लिए भी खुला हुआ है, ये थोड़ा बंद करना पड़ेगा। एक बार जरा एक बार थोड़ा सा, क्या नाम है आपका बेटा? विक्की वर्मा। थोड़ा सा इसमें इंडेक्स करते हैं रेलिंग्स, अरे आपको फायदा होगा नहीं, सिर्फ चेन को थोड़ा सा सैनिटाइज करते। लेकिन आप सर आज शाही स्नान है और महाशिवरात्रि का पर्व भी है, तीन अखाड़े स्नान कर भी चुके हैं, कैसा स्नान चल रहा है? क्या बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ शाही स्नान चल रहा है, और अभी जो हमारा टाइम शेड्यूल था उसके अनुसार चल रहा है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जूना आभान अग्नि स्नान कर चुके हैं, वर्तमान में निरंजनी और आनंद अभी मूवमेंट में है, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हल्की पैड़ी और मालवीय घाट में साफ सफाई हमारी हो चुकी है और अन्य सभी घाटों पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्नान सम्पन्न हो। टॉयलेट्स का भी पूरा प्रयोग हो रहा है, हमने 10 टॉयलेट्स के ऊपर एक इंटैक्ट सैनिटरी वर्कर दिया हुआ है और हर 10 टॉयलेट्स पे एक हमने वॉश बेसिन भी दिया। मैं आपके माध्यम से इसको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ ताकि ये मैसेज क्लियरली चला जाए, क्योंकि शाही स्नान के दिन आप जानते हैं कि हर की पेड़ी एक तरह से रिजर्व होती है, लेकिन बाकी हमारे टोटल 9.5 किलोमीटर के घाट हैं जो हरिद्वार में है, इसमें कनखल के भी घाट हैं, मायापुर के भी घाट हैं, सभी रोड से कनेक्टेड हैं, उसका वो लोग जरूर प्रयोग करें। और इनफैक्ट हमारे जितने बस स्टैंड्स भी हैं, अगर हम दीपावली को छोड़ दें तो उनसे लगते हुए, इनफैक्ट उनसे चिपके हुए भी हमारे घाट से, उन सबका प्रयोग किया।